इंडिया गठबंधन की इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज ही नहीं थी बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे, 15 और 7 में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को
दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। ये डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर कि देख लीजिए या इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिक कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। साथियों, मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेस करता है, तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे, और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया, बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। यह आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। मैं आगे अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन बंसल जी को कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद जी। दोस्तों, जो आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के बीच में हुआ है, ऐसा जंगल राज का नाच कभी कहीं नहीं देखने को मिला होगा। आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस हद तक भारतीय जनता पार्टी बुखलाकर अपनी हार अपने सामने देखती हुई इस हद तक पहुंच जाएंगे।
बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पहले दिन से, जब 10 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, वो जानते थे कि उनके पास 15 हैं, 14 उनके अपने काउंसलर, एक एमपी, और अगर एक अकाली दल उनके साथ वोट डालें तो एक वो। और इधर कांग्रेस और भारत और आम आदमी पार्टी के पास 7 और 13 मिला के 20 कैंडिडेट बनते थे। आपस में हमारा फैसला हुआ था कि जैसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय जनता पार्टी को जीतने दिया हम लोगों ने गैर हाजिर रहकर, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले, जैसे आप जानते हैं, दिल्ली में पार्टीज़ का एक गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के नाम पर गठित हुआ था, उसमें दोनों आप और कांग्रेस उसके सदस्य हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। वहाँ अभी बातचीत चल रही थी, इसमें इतनी बीच में ये इलेक्शन आए जिसका फैसला एकदम करना था। तो यहाँ हमें उसी माहौल को बनाने के लिए जिसमें वहाँ था कि एज़ फार एज़ पॉसिबल आपस में अलायंसेस होते रहेंगी, उसके लिए यहाँ हमने ये फैसला किया हम इकट्ठे मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हराने के लिए? बीजेपी को ही सिर्फ हराने के लिए नहीं, सही मायने में लोकतंत्र को फिर पुनर्जीवित करने के लिए, लोकतंत्र की भावनाओं को फिर आगे लाने के लिए, और जो लोकतंत्र के साथ उसका गला घोंटा जा रहा था उसको रोकते हुए, और फिर लोकतंत्र जिस हिसाब से हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने उन्होंने जैसे लड़ा था, जिस कल्पना के साथ, जिस विचार के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ये ख़त्म किए जा रहे थे, समद्र कर दिया था उसको, बिल्कुल गला घोंट रहे थे उसका, उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ये लोग, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये ऐसा गठबंधन बना है। उसकी शुरुआत आप जानते हैं सब चंडीगढ़ से यहाँ होनी थी और हो रही थी पिछले दिनों में। पहले तो आप जानते हैं कि 18 तारीख को क्या हुआ, 18 तक भी लगातार ये लगे रहे हर प्रयास करने, हमारे काउंसलर्स को और आप पार्टी के काउंसलर्स को, दोनों को अलग अलग तरह से कुछ भी कोशिश हो जो सब उन्होंने की, यहाँ तक भी ज़रूरत की हमारे और लोगों से भी बात करने की कि वो कुछ कर पाएँ, और सब तरह के उन्होंने प्रलोभन दिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा, तो 18 तारीख को जब वहाँ पहुँचे, मौके पे वहाँ जाके पता लगा कि नॉमिनेशन पेपर्स जो पोल उस दिन होना था उसको डिफर करके इनडेफिनेट अभी तारीख नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि श्री अनिल मसीह, इनके जो अपने एक नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, शायद आज तक उनका नाम नहीं पहले आपने सुना होगा, 18 से पहले उनको इन्होंने नॉमिनेट किया था एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको बीमार कर दिया क्योंकि बहुत आसान था उनको हिदायत देनी और अस्पताल में वो चले गए। वहाँ दो बातों के बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी, ये बातें ज़रूरी हैं ये बताने के लिए कि ये एक इंट्रीग, एक साजिश के तहत सब हो रहा था। उस वक़्त उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट में प्रेस को कहा कि मैं काफ़ी समय से मेरी बैक पेन है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे पास समय नहीं था कोई और किसी काउंसलर को नॉमिनेट करने के लिए, जो मौके पे भी एकदम हो सकता है, अगर मीटिंग में सभी सदस्य इकट्ठे भी हो जाएं, अगर वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुँचे, उनमें से एक को भी किसी को उठा के वहाँ बैठा दिया जाता है कि ये प्रिजाइड ओवर करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अपने इस उन्होंने एक्शन में एक कमी देखी तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उन्होंने खड़ा कर दिया। लोग इनके पहुँचे हुए थे 16 तारीख को दफ्तर में हल्ला करने के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इलेक्शन 6 फरवरी के लिए डिक्लेयर कर दिए। बेबस होके हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और हाई कोर्ट ने जो फटकार उनको दी आप वो सब जानते हैं, आपने सब देखा है। और उसके हाई कोर्ट के हिदायत पर ये आज हुआ कि आज इलेक्शन 30 तारीख को तय हुए। हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि जो काउंसलर्स हैं उनके साथ उनके समर्थक कोई ना आए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वहाँ मीडिया भी नहीं पहुँचे। इन्होंने ये पहली बार और चीज़ों के साथ साथ एक पहली बार ये किया कि मीडिया को भी वहाँ आने नहीं दिया, मीडिया बाहर रहे। और उन्होंने जो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कल्पना भी नहीं हो सकती थी, हमें ख्याल आता था दिमाग में भी ऐसी क्या चीज़ है कि जब इनके तावड़े जी यहाँ आए वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, आप आश्वस्त रहिए कि हम जीतेंगे, अपने काउंसलर्स को कह रहे थे भी, क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो करेंगे, सब प्रयास उनके विफल रहे। तो उन्होंने आज जब चुनाव शुरू हुए उस वक़्त, अगर आप एक पता नहीं शायद गलती उनसे हो गई जिसने वो की होगी उसको भी सजा देंगे ये लोग, वो सारे का सारा इन्होंने लाइव स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया, और वो लाइव स्क्रीन पे हम लोगों को बाहर सभी को देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे उसको, उसमें एक एक नॉमिनेशन पेपर पे अगर आप गौर से देखें
मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दोस्तों ने वो उसको पकड़ा। एक एक नॉमिनेशन पेपर पे एक साइड पे थोड़ा सा निशान लगा के दूसरी तरफ हस्ताक्षर करते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर से पहले रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पेन अलग रंग का होना चाहिए, हरे रंग का उनके पास पेन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वही कोई निशान लगा दें जिसका हमें डर था वो करें। हमने ये जरूर सुनिश्चित किया कि बैलेट पेपर देने से पहले ऐसा ना कर दें। लेकिन जब बैलेट पेपर वहां पहुंचे, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी का अधिकार है पार्टीज का, इलेक्शन लड़ने वालों का, कि अपना एक काउंटिंग एजेंट वहां मौके पे बिठाते हैं। काउंटिंग एजेंट आगे हटते हैं, दोनों कैंडिडेट अपना अपना एक नामजद कर देते हैं, वो वहां आके वहां वो देखते हैं, एक एक पेपर को वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं भी हाँ ये इनवैलिड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो काम सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर का होना था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ले लिया। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोला, खोल के देख रहे थे हम उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे, वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आपस में ये समझौता था, जो ये कैंडिडेट हमारे सांझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे देख रहे थे, उनको वोटें ज्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो दो बार ऐसे ऐसे करके रख दिए, बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे और वहां हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे दो ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके आज तक। जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं वहां भी ये कभी नहीं होता, वहां कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंटेज पे वोट्स रिजेक्ट हुई हैं। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी, जब वो पहले दिन से सोच रहे थे कि हम कुछ भी हो ये चुनाव जीतेंगे, और हमारे दूसरों ने एकदम वहां प्रोटेस्ट किया। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो उनके अपने जिनको उन्होंने बिठा दिया उसकी कुर्सी पे, मैं ये नहीं कहता कि वो चुने गए शब्द गलत होगा, उनको जो जबरदस्ती वहां बिठा दिया गया, इम्पोस्टर, आई एम यूजिंग दैट वर्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इम्पोस्टर, अ पर्सन हु यूजर्प द अथॉरिटी ऑफ द मेयर, उसको वहां बिठा, एकदम पास खड़े हैं, एक सेकंड में अगर आपने देखा होगा वो एकदम वहां कुर्सी पे बैठ गए। नहीं तो क्या होता है, वो ऐलान करते हैं, सामने से वो उठ के आते हैं, उसके साथ दूसरे सदस्य उनको लेके आते हैं, उनको कुर्सी पे बैठाते हैं, फिर वो आगे कॉन्डक्ट करते हैं इलेक्शन। ये नहीं हुआ। और बैलेट पेपर्स का क्या हुआ वो बिल्कुल हमें किसी को मालूम नहीं। इतने लोग उस पे टेबल पे भारतीय जनता पार्टी के चढ़ गए, ऐसा माहौल उन्होंने अफरा तफरी का वहां कर दिया कि किसी बात का वहां नहीं होता। हमारे सदस्यों ने सभी ने 20 के 20 ने इकट्ठे होके दूसरे दोनों कैंडिडेट्स वाला इलेक्शन पोस्टपोन, उसको प्रोटेस्ट में हमने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि अगर उसमें हम हिस्सा लेते तो हम ये बात कबूल कर लेते कि ये मेयर हैं। ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन ये सत्य है, ये सच्चाई है, हमें कहना होगा कि इस वक्त उस मेयर को माना नहीं जा सकता। मेयर एक साजिश के तहत है, देशद्रोह, जैसे कहा राघव जी ने, वो सचमुच एक देशद्रोह है। लोकतंत्र के साथ ऐसा एक घटिया, एक घिनौना माहौल जो आदमी सोच नहीं सकता। और ये हमारी वो बिल्कुल फादेस्ट फियर्स, जो हम वो शंकाएं मन में कभी आती हैं कि लोकतंत्र में अगर ये फिर कहीं चुनाव जीत गए केंद्र में, जिसके कारण ये बना था गठबंधन, तो आगे के लिए देश में चुनाव को भूल जाइए। हमेशा लोग बात करते थे ईवीएम की, दोनों तरह के विचार होते थे, पार्टीज के अंदर भी दोनों विचार होते थे, लेकिन आज तो कुछ भी कह दें सब सच नजर आएगा कि ये अपनी सत्ता में रहने के कारण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट उससे है। हम इनको नहीं मानते, हमें इसको सिर्फ चैलेंज ये नहीं कि एक इलेक्शन पिटीशन होती है, वो नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर देखने को नजर नहीं आ रहे थे, वहां कमिश्नर नजर नहीं आ रहे थे, वहां सेक्रेटरी जो होते हैं निकाल के असिस्ट करते हैं उनको खोलने के लिए, अलग अलग देखने के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम ये नहीं होता कि अपने हाथ में सब चीज ले ले, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं सर और कंडक्ट करते, सब चीज की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं दूसरे ऑफिसर्स, वो उनको नहीं करने दिया क्योंकि पहले से ही उनको हिदायत थी। एक ऐसे प्लायबल टूल थे उनके हाथ में जो इस चीज के मैं कहता हूँ काबिल नहीं थे, लेकिन काबिल ही नहीं सिर्फ इसमें आज सहयोगी हो गए हैं उस अबेटमेंट में, उस क्राइम, उस अपराध में जो
भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी सजा जरूर मिलेगी। हम सब तरह से उसमें अपने जो भी कार्रवाई होगी करने की करेंगे। एक वाक्य और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि ये देश की जनता तक बात पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा, क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। यह बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। देखिए अभी आज अभी हम अपने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मिलकर बैठेगी, आगे क्या सड़क से लेकर कोर्ट से लेकर संसद तक क्या लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा बनाएंगे और अवश्य न्यायपालिका का दरवाजा भी जरूर खटकाएंगे। आप सब जानते हैं कि 18 जनवरी का चुनाव जब पोस्टपोन हो गया तो उसकी नई तारीख फरवरी में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित करी। उस तारीख को जल्द लाने के लिए, इलेक्शन को जल्द कराने के लिए भी हमें न्याय लेने के लिए भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और आज भी न्याय पाने के लिए हमें अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम जरूर कोर्ट जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। जब करेंगे तो बता देंगे। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूं। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है, इसमें ये नहीं कि मेयर आज इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए वो सत्ता में आ गए। ये लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी यह हरकत कर सकती है तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं कि आगे लोकसभा में ऐसा हो सकता है, तो आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं, आप कैसे कहोगे? भाई हमें जैसे इलेक्शन भी ऐसा लग रहा था कि मेयर की इलेक्शन ही लोकसभा की इलेक्शन। नहीं, आज नहीं कहा जा सकता भी आगे को क्या करेंगे। आज तो पहला दिन है, आज तो मेयर के अभी हमारे काउंसलर्स वहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी तो धरने पे वहाँ बैठे हैं। हम देखेंगे उनका क्या रवैया रह रहा है, आगे हम क्या करेंगे। 2024 का लव वो इलेक्शन लोकसभा का वो इस वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चीज पहले बंसल साहब पूरा कर लें। बंसल साहब उन्हें पूरा करने दीजिए, लेट हिम फिनिश। बंसल साहब ऑफिसर के बारे में पहले 10 जनवरी को भी वही नोटिफिकेशन आई कि उन्हीं को प्रेजेंटिंग ऑफिसर बनाया गया, उसके बाद दोबारा से जब नई स्थिति आई तो उसके भी अली मसीह को बनाया गया। नहीं, जरूरत नहीं थी, वो कहने की जरूरत नहीं थी। इतना उनपे हमें विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। अगर वो उसको अपॉइंट करते हैं, वो आए हैं बिल्कुल अच्छे बैठ के आज कर रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि उस दिन वो सब एक होक्स था, उस दिन वो झूठ था उनका कि मेरी बैक पेन दिनों से। देखिए एक मिनट, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी और उस वीडियो का संज्ञान हाईकोर्ट खुद लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का वीडियो पहुंचेगा और ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने, अपने ही पेन से निशान लगा लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं,
ये सारी चीजें जब हाईकोर्ट के सामने आएंगी तो हाईकोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगा, पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर सड़क तक क्या लड़ाई लड़नी है, आगे क्या रूपरेखा होगी, उस पर अवश्य चर्चा करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। बिल्कुल, प्रिसाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है, जरूर हम कंप्लेंट भी करेंगे, कार्रवाई की मांग भी करेंगे, और सिर्फ कार्रवाई की नहीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सी, दिस इज नॉट अ सेटबैक फॉर वन कोएलिशन, वन अलायंस और वन पार्टी, इट इज अ सेटबैक फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। एंड एज अ डेमोक्रेट, एज समबडी हु बिलीव्स इन इंडियाज डेमोक्रेसी, वी आर अग्रीव्ड, वी आर हर्ट, एंड वी आर flabbergasted, we are worried as to what will happen in the upcoming 2024 polls if BJP can resort to such low levels, stoop to such low levels and commit forgery, illegality, and something that should even be labeled as an act of sedition, then BJP can go to any level to rig the election process and to indulge in every possible electoral fraud and electoral malpractice. And in fact, we would even request the High Court, when the matter goes there, to ensure and to direct that a proper inquiry be conducted into the entire conspiracy as to who all were the partners in it, and action should be taken against all of them. देखिए, हम ये मांग करते हैं और हम कल हाईकोर्ट में भी इस दलील को रखेंगे कि पहले जो आज इलेक्शन एक इलीगल इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ जो है, उसे सेट असाइड किया जाए। दूसरा, एक फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल किया जाए। और तीसरा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर पूरे इलेक्शन प्रक्रिया फिर से कराई जाए, ताकि इस बार कोई बीजेपी का पदाधिकारी प्रिसाइडिंग अफसर बनकर अपने ही हाथों से इंक लगाकर वोटों को अवैध यानी कि इलीगल घोषित ना करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर इस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को समाप्त किया जाएगा तो यह भारत के संविधान पे चोट है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई इस विषय में अवश्य करेंगे। थैंक यू। दिल्ली की जो मेयर है वो भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करती नजर आए, वो कहते हमें समितियों की पावर नहीं दी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जैसा कि मैंने कहा, हर फोरम पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस देश के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। हम दिल्ली में भी लड़ाई लड़ते हैं, हम चंडीगढ़ में भी लड़ाई लड़ेंगे, पर इतना ही कहना चाहता हूं कि अंत में जीत सत्य की होती है। कोई फ्रॉडस्टर नहीं जीतता, कोई इंपोस्टर नहीं जीतता, कोई देशद्रोही अंत में नहीं जीतता। इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, यह मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं। आई प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चन। थैंक यू।